मैं आज छोले खा लेता हूँ, पूरी शाम तक मेरे हाथ में खुशबू रहेगी छोले की, शाम तक रहती है, शाम तक खुशबू हाथ में रहेगी। ये हमने दुकान में 4 रुपए प्लेट खाई है सन 90 में, सन 90 से 4 रुपए प्लेट, 4 प्लेट आज भी खाने ना पाते लोग मंडी से, 8 रुपए में, 4 रुपए में, क्या बात, इनकी टेस्ट में ऐसी खुशबू आती है आदमी पर मसाले की रेसिपी मेरे पिताजी के हाथ की जो है दी गई है। इस मसाले को हम बाबा झारखंड का मसाला बोलते हैं, हाँ, जो बहुत स्पाइसी होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसमें मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही हम किसी प्रकार का छोले में छौंक लगाते हैं। तो गाइस आज मैं हूँ आगरा के स्वाद बाजार में पंडित भटूरे वाला पर। तो नमस्कार भैया। भैया बड़ा नाम सुना है आपके भटूरे का, छोले का। तो भाई ऐसा क्या खास रहता है कि आपके छोले भटूरे इतने फेमस है आगरा के अंदर? काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया हमें कि भाई अगर आगरा में अगर छोले भटूरे खाने तो पंडित जी के खाइएगा। थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, हम लोग इसमें मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉपर मसाले रहते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है, सारा माल प्योर रहता है हमारा। ये भाई स्पेशल आपकी छोले, काजू डालते हैं इसमें, मखाना डालते हैं इसमें, पनीर डालते हैं इसमें, मक्खन डालते हैं, प्रॉपर मसाले हैं इसमें, कोई किसी चीज़ की मिलावट नहीं है, जिससे हम हमारे कस्टमर को दिक्कत है। भैया कितने रुपए की प्लेट रहती है? ये 50 रुपए की प्लेट है। 50 रुपए की प्लेट में क्या क्या रहता है अपना? जिसमें आपको दो भटूरे देते हैं, अच्छा, अचार देते हैं, प्याज देते हैं और छोले देते हैं। कैसे लगते हैं आपको यहाँ के भटूरे? बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। कब से आ रहे हो आप? 25-25 साल हो गए। 25-25 साल हो गए, कैसे लगते हैं भैया आपको यहाँ? बहुत बढ़िया छोले भटूरे लगते हैं मुझे, और क्वालिटी भी अच्छी है। स्टार्टिंग हमने यहाँ पे 2 रुपए प्लेट से, 2 रुपए प्लेट से स्टार्ट किया था आपने, और स्वाद वही है जो 40 साल पहले था। अच्छा ये तो ग्राहक बताएंगे, ये हम पत्तल में पैकिंग देते हैं, हम वॉल अच्छा। पेपर का इस्तेमाल नहीं करते कि हमारे भटूरे खराब हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, स्मेल आ जाती है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ मिलेगी सब नेचुरल मिलेगी, सब नेचुरल रहती है। स्टील का भगोना, स्टील की कढ़ाई, टेस्ट वही है जो पहले था, इनकी टेस्ट में ऐसी खुशबू आती है आदमी पर वैसे आता है, भर के आता है, खिंचा चला आता है। हाँ सर, 22 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। 22 साल से आ रहे हो? 22 साल से आ रहा हूँ, बड़े बढ़िया हो, आज भी टेस्ट वही है, आज भी टेस्ट वही है। ये भैया गर्मा गर्म भटूरे सेक रहे हैं भैया, अपना ये रिफाइंड रहता है? नहीं, ये आपका वनस्पति ऑयल है। अच्छा, वनस्पति ऑयल यूज़ करते हो आप? रिफाइंड में आपकी मिलावट रहती है तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। अचार की जो दुकान है लगभग 100 साल पुरानी है। अच्छा, 100 साल पुरानी है, अचार भी इतना फेमस है? हाँ, जिससे हमारा अचार आता है उसका नाम है डेली अचार। अच्छा जी, वो 100 साल पुरानी दुकान है, वो जहाँ से अचार आता है, हम उसके 40 साल पुराने कस्टमर है, 40-45 साल पुराने, जहाँ से अचार आता है। मेरे को ऐसे 90 जगह हफ्ते में 2 दफ़े आता हूँ, महीने में 4-5 दफ़े खा जाते हैं। तो आगरा में सबसे बढ़िया छोले भटूरे यही है? मुझे नहीं पसंद है, किसी पसंद नहीं आने के अलावा। अच्छा, ऐसा क्या खास रहता है पंडित जी के छोले भटूरे? स्वाद एक साथ 12 महीने। अच्छा, स्वाद एक साथ 12 महीने, ये कभी काला नहीं मिलेगा कढ़ाई में? कभी काला नहीं, ये खासियत है यहाँ की पंडित जी छोले वालों की। देखिए कढ़ाई में जब भी आओगे घी काला नहीं मिलेगा, और यहाँ पुराने पुराने लोग हैं उनके हाथों का स्वाद मिलेगा। हमारे बाबा जी हैं ये जो 45 साल पुराने हैं। तो भैया एक बार एड्रेस हो बताओ यहाँ पर। ये आपका है पंडित भटूरे वाला, सुभाष बाजार, मिनी मार्केट, या नियर जामिया मस्जिद, नियर बाई राजकुमार संत क्लॉथ स्टोर के पास, सुभाष बाजार है। मेरा नाम योगेश शर्मा है, यहाँ का ओनर मैं ही हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी है इनका भटूरा, टेस्ट करता हूँ इनकी फर्स्ट बाइट। भाई नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर रहा हूँ। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आगरा में सबसे ज़्यादा छोले भटूरे किसके अच्छे लगते हैं। चलिए जी, मैं लेता हूँ पंडित जी छोले भटूरे का आनंद, आप लीजिए इस वीडियो का आनंद, और मिलते हैं आपसे ऐसे 1.5 साल स्वाद के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।